हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो क्यूब है किसी रेशनल नंबर का। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है ना कि ये किस नंबर का क्यूब है, यदि है कि नहीं ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, और देखेंगे कि जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनका ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं। तो 27 की फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 3 × 3 × 3 होल अपॉन, यहाँ पर यदि 64 करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिल्कुल कि ये जो 3 है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 का बन रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो है एक परफेक्ट क्यूब है किसी रेशनल नंबर का, ठीक है। तो यदि हम ये कहें कि ठीक है परफेक्ट क्यूब है किसी रेशनल नंबर का, तो किसका है आखिर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 का हम क्यूब लिख सकते हैं होल अपन, यहाँ पर किसका क्यूब लिखेंगे, तो इससे जो बने वाला नंबर है वो 8 है, इससे जो बने वाला 8 है, तो 8 से करेंगे नहीं कुछ, हम ऐसे करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जो 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 × 4 कर सकते हैं, मतलब कि 4 का ये क्यूब है, ठीक है। देखिए 2 × 2 = 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 × 2 = 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 × 2 = 4 आ जाएगा, मतलब 3 × 4 आ जाएगा, तो कि 4 क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। और इसको लिख सकते हैं हम 3/4 होल क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है परफेक्ट क्यूब है और वो 3/4 का परफेक्ट क्यूब है ये, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे, जैसे सेकेंड हम करते हैं 125 होल अपान 128, यहाँ फैक्टराइज करना पड़ेगा तो मिलेगा हमें 5 × 5 × 5 होल अपान 128 का फैक्टराइजेशन होगा तो कितना आएगा, 128 करेंगे तो मिलेगा हमें 2 × 6 = 12 2 × 4 = 8 2 × 3 = 2 × 2 = 16। सो हम जानते हैं इसका क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं 2 × 2 × 32 का होता है 5 × 2 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सो इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिपलेट जो है नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। देखिए 5 का तो बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 का बना है, लेकिन इस 2, ये जो एक 2 है वो बच गया है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो हम लिख देंगे कि क्लियरली 125/128 is not a cube of rational number. ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे थर्ड। थर्ड में क्या है, थोड़ा सा अलग है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, तो हम पहले इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.001331 इसको हम लिख सकते हैं, डेसिमल को देखिए हटाएंगे पूरी तरह से तो मिलेगा हमें 1331 डिवाइडेड बाई, हम बस डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, जितने यहाँ पर डेसिमल के आगे डिजिट्स हैं उतने जीरोज लगा करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1 के आगे 6 जीरोज, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 1331 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 11 × 11 × 11, तो बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब है 1331 11 का। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका क्यूब है ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 100 × 100 × 100 मीन्स दो दो जीरोज को लेकर के हम अलग अलग 100 बना सकते हैं, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 11/100 होल क्यूब, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ भी हमें दिख रहा है कि ये रेशनल नंबर है 11/100 और इस रेशनल नंबर का क्यूब करने पर इतना आ रहा है, मीन्स दिस इज आल्सो अ क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। ये हमारा मतलब कि ऑप्शन सही है, ये हमारा गलत है। 0.04 को चेक कर लेते हैं, 4th one 0.04, तो इसको लिखेंगे तो मिलेगा हमें 4/100, और 4/100 को यदि हम लिखेंगे
फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 को लिखेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी मतलब कि ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, सो 0.04 इज नॉट, ठीक है, तो क्लियरली लिख सकते हैं आप, क्लियरली 0.04 इज नॉट अ क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर। मतलब कि केवल एक रेशनल नंबर का क्यूब नहीं है, किसी इरेशनल नंबर का क्यूब हो सकता है। ओके, तो दो तरह के नंबर्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल, और दोनों मिलकर के वो होते हैं रियल नंबर्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, रियल और इरेशनल और रेशनल के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 9th में। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम करेंगे कैसे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।